Ladies and gentlemen, we are very fortunate we have got a wonderful lady leader in Modi Care who is a global black diamond and she is from Ranchi, Jharkhand. And she has proved herself a biggest champion in Modi Care becoming the global black diamond. Being a housewife, she started working Modi Care part time and today set an example become ideal and achieved a wonderful level so the ladies and gentlemen a champion a global black diamond so please put your hands together to welcome our honorable global black diamond riti bishwanathan on the stage so give you a big hand to welcome लग रहा है बहुत अच्छा है ओ, ऐसे दिन कितने लोगों को अच्छे लगते हैं अरे सभी को सब लोग चाहते हैं कि ऐसा मान सम्मान मिले अच्छा अपने बारे में बताने से पहले एक सवाल करते हैं यहाँ कितने लोग इंटर पास है अच्छा कितने लोग जैसे सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती हो और कोई लैंग्वेज नहीं आती मुझे सिर्फ इंटर पास और हिंदी आती है कुछ नहीं आती इंटर पास स्टूडेंट और सिर्फ हिंदी आती है इतना बताने के लिए मैं ये क्यों पूछी क्यों बताई आगे मैं बताऊंगी। मैंने जो चाहा, वो पाया मेरी ये जन सिद्ध अधिकार है ये मैं बचपन से कहती हूँ और और जो चाहती हूँ उसके लिए मैं भगवान को हिला देती हूँ ये भी मेरी ताकत है ऊपर वालों को इतनी मजबूर कर देती हूँ कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा कैसे नहीं दोगे कहते हैं अगर माँ से कुछ मांगो तभी मिलता है बच्चा वरना रोता रह जाता उसे कुछ नहीं मिलता जस्ट लाइक ऊपर से ऊपर वाला से जब आप कुछ मांगोगे ना लेकिन अगर जिद भी उतर जाएंगे तो वो आपको देगा ही देगा याद रखना पक्का देगा नाम रिथ्वी विश्वनाथन लास्ट एट ईयर से मोदी के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं इससे पहले एक हाउसवाइफ एक हाउस वाइफ सिंपल ने एक हाउस वाइफ थे क्योंकि एक हाउस वाइफ की जो पावर होती है ना वो दुनिया जानती है इंटर पास किए मेरी शादी हो गई सेवनटीन इयर्स एज में मेरी शादी हुई पर जो मेरे सपने थे बहुत बड़े बड़े थे बचपन से मैंने इतने बड़े सपने देखे कि मुझे लगता था ये सारे सपने मैं बड़ी होकर के पूरा कर लूंगी और इसीलिए मैंने मेडिकल की पढ़ाई करने का सोचा और मैं बायो लेके पढ़ने के लिए सोची पर शायद गॉड को वो मंजूर नहीं थी माँ दुर्गा को वो मंजूर नहीं थी मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए सब कुछ हो गया पैसा जमा हो गया कुछ ऐसी पॉइंट्स आ गए मेरी एडमिशन नहीं नहीं हुई मैं मैं बायो नहीं ले पाई उसके बाद मेरे मन में दूसरी इच्छा जागी कि आखिर मैं एक कैसे कर पाऊंगी अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं अपने सपने कैसे पूरा कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पिताजी एक लॉयर है दादाजी एक लॉयर है पर वो लोग के अपने सपने हैं मेरे सपने कोई पूरा नहीं कर सकता किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है उसे पूरा करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और मैंने विजन को चेंज कर दिया और मैं लॉयर बनने के लिए तैयार हो गई कि मैं एक अच्छी लॉयर बनूंगी अच्छी जज बनूंगी और एक अच्छी जज बन करके मैं अपने सारे सपनों को पूरा करूंगी और वो सोच के पढ़ने लगी लेकिन तब तक कहते हैं कि ऐसी हादसा हो गई कि मेरी शादी हो गई मेरी दादाजी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और दादाजी ने अंतिम इच्छा रख दी कि बेटा मैं तेरी शादी देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ड्रीम यही है कि तू शादी कर ले इंटर पास हुई थी पार्ट वन में एडमिशन हुई थी मेरे सपने चूर चूर सारे सपने मुझे ऐसा लगा जैसे कि अब मैं खत्म मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे दादाजी का सपना था वो मैं सोची चलो कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं अपने सपने पूरा नहीं कर पाऊंगी तो क्या हुआ मैं अपने दादाजी का सपना जो आज अंतिम स्टेज पे है वो तो पूरा कर पाऊंगी और मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया मेरी शादी हुई स्टेट गवर्नमेंट में मेरे हस्बैंड हैं डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर शादी हुई एक अच्छी लाइफ विशाल जी रही थी पर अंदर से सुकून नहीं था बहुत बेचैन थी बच्चे हुए बच्चे की लाइफ स्टाइल में मैं, मैं बिजी कर ली अपने आप को पर सुकून की जिंदगी मैं नहीं जी पाती थी हर वक्त ऐसा फील होता था जैसे कि कोई अंदर से मुझे धक्का दे रहा है कि तुम तुम नहीं हो तुम उठो जागो भागो तुम इसलिए नहीं बनी होगी तुम सिर्फ एक मां बन के रह जाओ तुम इसलिए नहीं बनी होगी तो तुम एक पत्नी बन के रह जाओ तुम सिर्फ इसलिए नहीं बनी होगी तुम एक बहू बन के रह जाओ तुम्हें दुनिया में बहुत आगे जाना है और तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें फॉलो करेंगे और सक्सेस करेंगे और तुम सक्सेस होगी और अपने साथ कई लोगों के बनाओगी तुम इसलिए आई हो उस दुनिया में एक सिंपल हाउस वाइफ बन के जिंदगी जीने के लिए नहीं आई हो और ये सोच करके मैं बहुत पागल की तरह करती कभी कुछ करती कभी कुछ करती फिर वापस एजुकेशन के लिए मैं परेशान करी फैमिली को कि मुझे एक एजुकेशन लेना है ना हाँ ना हाँ फिर से मैंने पढ़ाई शुरू किया पर फिर माँ दुर्गा को मंजूर ना थी उन्होंने कहा रीति तू पढ़ने के लिए आई ही नहीं हो तू पढ़ाई छोड़ दे फिर मैं हार मान के मैं पढ़ाई छोड़ दी अब आगे मेरे पास क्या जरिया था क्योंकि सपने तो मेरे थे ना वो मेरे हस्बैंड के तो थे नहीं मेरे बच्चों के तो थे, थे नहीं वो पूरा कैसे होते जब मैं अपने सपनों के लिए भागने लगी तो मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करी फिर कुछ 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 करने लगी शायद मैं जॉब कर लूंगी और मैं एक छोटा सा जॉब भी ज्वाइन करी पर मैं सेटिस्फाइड नहीं थी मैं एक पंद्रह से बीस दिन के अंदर उस जॉब को छोड़ के चली आई बोली नहीं मेरे लिए जॉब बना ही नहीं है और उसके बाद मैं भगवान के मंदिर में कहते हर कोई रोता है मैं भी रोई और बोली माँ अगर तुमने मुझे यहाँ भेजा है तो जरूर कुछ करने के लिए भेजा है मेरे लिए कोई एक ऐसा ऐसा रास्ता चुन दो ताकि मैं अपने आप को अपने सपने को पूरा कर पाऊंगी और थैंक यू माँ कहते हैं ना जब जिद करो तो सब कुछ पूरा करती है और मैं जिद पे अड़ गई और मेरे घर में एक प्यारा सा किट 2009 में मोदी के लिखा हुआ गिफ्ट के रूप में मेरे घर में आ गया मुझे नहीं मालूम जब वो गिफ्ट आया मेरे घर में तो मैं ये सोच करके कहते हैं कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आते हैं तो अपॉर्चुनिटी लोग पहचान नहीं पाते हैं माँ तो मेरे साथ खड़ी थी मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे पर खड़ी थी और मैं उसे एक्सेप्ट भी करी पर उसे डस्टबिन में फेंक दी ये समझ करके कि ये हमारे लिए नहीं है हम लोग तो बहुत क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं ये कोई क्वालिटी है ऐसा भी होता है बट टेन टू ट्वेंटी डेज के बाद मैंने उसी प्रोडक्ट्स में से एक पेस्ट प्रोडक्ट निकाला उस प्रोडक्ट को यूज़ करी और यूज़ करने के टीन डेज बाद मुझे ऐसा लगा जैसे इससे बेटर प्रोडक्ट इस, इस दुनिया में हो ही नहीं सकता <laughs> और फिर 23 फरवरी 2009 मेरे पास एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन करने वाले और कोई पर्सन नहीं हमारे मेंटर वृंदवासि पांडे जी हैं उन्होंने फ़ोन किया और कहा गुड मोदी कर मॉर्निंग कैसी है रीति जी मैं बोली सच मैं सर बहुत अच्छी हूँ आप कौन ए भगवान को इतना आसान थोड़ी होता है कोई पहचान ले गॉड को पहचानना इतना आसान नहीं होता मैं बोली आप कौन बोले मैं बिंदवासी पांडे बोल रहा हूँ बोले कौन बिंदवासी पांडे मैं नहीं जानती ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो आप अपॉर्चुनिटी पहचान नहीं पाते लेकिन उसके बाद से सर का कंटिन्यू कॉल आना और मुझे मोटिवेट करना मेरे अंदर की आग को बाहर निकालना अगर किसी ने मुझे जगाया तो बिन्दवासी सर ने जगाया मैं ऑलवेज मैं बिंदवासी सर को थैंक्स कहती हूँ कि अगर वो ना होते तो मैं यहाँ नहीं होती जहां आज मैं हूं क्योंकि मेरे पास साक्षात भगवान माँ दुर्गा उतर के तो नहीं आती उन्होंने एक रास्ता एक मंजिल मेरे लिए एक ऐसे इंसान को मेरे लिए इस दुनिया में भेज दिया जो है बिंदवासी सर और मैं उनकी राह पे उनकी मानते हुए चलते चली गई चलते चली गई मैं उन्होंने जो कहा मैं मैं सुनी ऑलवेज राइट right. बस एक शब्द को मैं ध्यान में डाल दी। बड़ा सपना विदेश यात्रा जो मेरे हस्बैंड कभी नहीं करा सकते थे मैंने एक विदेश यात्रा लिया सिंगापुर स्टार क्रूज पर मैं बहुत इंजॉय करी उसके बाद मेरे और सारे सपने कई विदेश यात्रा दस विदेश यात्रा कई चेक्स छोटे छोटे चेक से बड़े बड़े चेक होने लगे और मैं बढ़ती चली गई गिरी भी बढ़ी भी एक बार ऐसा हुआ कि मेरी पूरी इंटायर टीम ताश की पत्तों की तरह ढह गई उस वक्त मुझे लगा कि अब मैं टूट जाऊंगी बट थैंक्स उस वक्त के लिए फिर पांडे सर को उस वक्त फिर उन्होंने मुझे पकड़ के ऊपर कर लिया कि जी आप गिरने के लिए नहीं आए हो आप उठो एक टीम टूटी है कई टीम बनेंगे कई लोग आएंगे क्योंकि यहां पर कई लोगों की जिंदगी बदलनी है मोदी केयर ऐसा प्लेटफॉर्म है और मैं धीरे 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 अपने सारे सपनों को पूरा करने लगी जब मैं सपनों को पूरा करती थी तो मुझे लगता था और मैं अपने आप को विजुलाइज करती थी मैं कहा हूं सच कहते हैं इससे बेटर सपना पूरा करने का जगह हो ही नहीं सकता लाख लोग मुझे समझाएं मेरे पूरे फैमिली अगेंस्ट हो गए मेरे पूरा परिवार मेरे हस्बैंड तक मेरे अगेंस्ट हो गए पर मेरा एक विजन था मोदी केयर में सक्सेस होना मोदी केयर में मेरा सपना है मेरे अलावा कोई पूरा नहीं कर सकता ये मेरा है ये मुझे लड़ने होंगे मेरे सपनों के लिए और मैं लोगों को धीरे धीरे मनाते चली गई और अपने आप को आगे बढ़ाते चली गई धीरे 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 हर लोगों के सपने होते हैं क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा फार्मूला है पैसेंस स रखो जिंदगी में सफलता मिलेगी ये मैं सबको देखते हुए चली आ रही थी फिर मेरी धीरे धीरे सफलता मिलते 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 जब फॉरेन ट्रिप मिली उसके बाद मेरे और सपने बड़े होने लगे घर भी होना चाहिए फिर लास्ट ईयर मैंने 80 लाख का एक फ्लैट लिया अपने पैसों से दिल्ली में नोएडा में जिसमें आज मेरी बेटी रह रही है मैं बहुत प्राउडली मेरी बेटी कहती है सभी से कि मेरे पापा मम्मी पेस्ट यूज करके मेरे नाना नानी दादा दादी ने घर नहीं बनाया पर मेरी मम्मी ने सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करके इतना बड़ा घर मुझे गिफ्ट में कर दिया अच्छा होता है, तो उसके बाद क्या चाहिए? घर के बाद गाड़ी चाहिए अच्छा कितने का गाड़ी हो जाने से काम चल जाता ढाई लाख की गाड़ी फोर व्हीलर अरे मारुति कार भी बाजार में मिलते हैं नैनो भी मिलते हैं उसे लेकर एंजॉय तो कर ही सकते हैं लोग नहीं गाड़ी क्या होती है बट थैंक्स टू गॉड मैंने इतना सस्ता गाड़ी नहीं लिया पचास लाख का लिया मैंने लाख का जेग्वार पावर ऑफ मोदी केयर पावर ऑफ मोदी केयर पावर ऑफ मोदी केयर ये सारी चीजें जो मिली है सिर्फ ड्यू टू मोदी केयर बिलीव विश्वास करो जिंदगी में अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते तो दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं कर सकते आप आपका विश्वास जगमगाया तो पूरा विश्वास जगमगा जाएगा बिलीव करो और एक छोटी सी सोच कि मुझे सफल होना है मुझे सफल होना है मुझे पैसा कमाना है मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है मैं जो जिंदगी जी रही हूं वो जिंदगी हमारे बच्चे नहीं जिएंगे ये सोचना है आप देखो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी आज मैं जिस स्टेज पे हूं ग्लोबल ब्लैक डायमंड आज इस हॉल में बैठे हर पर्सन चाहे तो कल ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन सकता है सिर्फ आपके सोच पर निर्भर करता है आपके डिसीजन पर निर्भर करता है जिस दिन आप सोच लोगे उस दिन आप जीबीडी हो जाओगे तभी मैं बोली थी ना स्टार्टिंग में इंटर पास स्टूडेंट यहां पर कितने लोग हैं घबराओ नहीं एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता एक लैंग्वेज सिर्फ हिंदी आती इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती सिर्फ ये चीजें करने के लिए अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो अपलाइन जो बोलते हैं सिर्फ उसे फॉलो करो और कुछ मत सुनो और जो अपलाइन बोले डाउनलाइन को सिखा दो और बीच में एंजॉय थैंक यू सबसे ज्यादा थैंक्स कहना चाहेंगे प्रमोद सर को क्योंकि वो मेरे मेंटर के मेंटर हैं आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या होंगे थैंक यू ऑल उड़ीसा मोदी को मैं हमें तक अभी तक सुनते आ रही थी कि उड़ीसा के लोगों में गर्मी बहुत है आज मैं देख ली पहली बार मैं इस तरह के सेमिनार में उड़ीसा आई अभी तक तो समीर मोदी जी के प्रोग्राम में आती थी पर आज पहली बार आई हूँ आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ यहाँ से इतनी जोश इतनी गर्मी हर जगह ये गर्मी अभी फैल रही होगी लोग देखेंगे थैंक यू ऑल उड़ीसा वासी थैंक यू प्रमोद सर Thank you, Mr. sir, and thank you all leaders. Thank you, thank you.